ये है हमारा सारा सामान, आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। और आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। वैसे तो अब आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया नया देखने को ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट की चीजें खाना बंद कर दिए हैं। लखनऊ की क्या हालत है आप सभी को तो पता ही, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो। मार्केट जाना मतलब ढेर सारी मुसीबत अपने सिर ले आना, और मुसीबत साथ आए या ना आए, एक सिर दर्द जरूर रहेगा कि यार हम मार्केट गए थे। तो ये चीज, इस चीज से फ्री रखने के लिए हम लोग घर पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा चल ही रहा है। तो कुछ टाइम हुआ मैं नहा के आ रही हूँ, और आप सभी को पता है कि नहा के आने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरी रूटीन तो आप सभी को पता है। मैंने पूजा कर लिया हुआ है, अब मैं चल रही हूँ मेरी स्किन केयर फॉलो करने। स्किन केयर नहीं, बस एक, मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो मुझे कुछ ना कुछ लगाना होता है मेरी स्किन पे, जिससे मेरी स्किन थोड़ी सी ना मॉइस्चराइज रहे और मैं अच्छा फील कर पाऊँ। नहीं तो आप लोगों की भी अगर स्किन ड्राई है तो आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि जब तक आप अपने फेस पे कुछ नहीं लगाते हो ना, तो स्किन आपकी खिंची खिंची सी लगती है। मेरी स्किन के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, रात में ना मैंने देर लाइट तक सूट किया था, तो जिसकी वजह से आपको मेरी आंखों में स्वेलिंग दिख सकती है, नींद पूरी नहीं हो पाई ना उसके लिए। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि मैं फेस पे क्या लगा रही हूँ। आप सभी को पता है एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करी वॉइस स्किन साइंस का प्योर विटामिन सी डेली फेस जेल विद एलोवेरा। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड नो कलर। वॉइस स्किन साइंस जाना माना ब्रांड है, इसको किसी भी कोई इसे पहचान दिला है उसका बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। और वॉइस स्किन साइंस के प्रोडक्ट मैं तब से यूज कर रही हूँ जब से मैं YouTube पे आई हूँ। मैंने काफी सारे यूट्यूबर, सबसे पहले मैंने देखा था इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा का वीडियो, मैं उनके वीडियोज देखती थी, तो उनके थ्रू ही मुझे पता चला। मैंने प्रियादी पे भी काफी सारे वीडियो शेयर किए थे अलग अलग, आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया हुआ है उन सारे वीडियोस को मेरे। तो जैसे जैसे कहा नहीं जाता कि स्किन केयर में एक आपका फेवरेट ब्रांड हो जाता है, तो जैसे जैसे टाइम जाता गया, जो भी इनकी न्यू लॉन्चेस होती है मैं वो जरूर ट्राई करती हूँ और किसी ना किसी वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। और ये सब तो मुझे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जिस दिन मैं मेरे ससुराल से आई थी उस दिन मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। सो चलो इसको आप लगा लेते हैं। अच्छा, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और हाँ, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ये देखिए कितना ज्यादा, मतलब इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसे मैं लगाती हूँ, इसकी बात चलती हूँ हम, मतलब जो भी काम है उसे कर लेते हैं। इसे लगाने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा ठंडी ठंडी सी फील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। मन कर रहा है आई क्लोज करूँ और लेट जाऊं। ओके, तो अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है, और इसे आप ना 2 से 3 बार लगा सकते हो, जब भी आपको लगे कि यार आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो गई है, या फिर जब भी आपको ना कुछ भी ठंडा ठंडा सा, मतलब ऐसा लगे कि आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप इसे लगा सकते हो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। सो इसे मैंने लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ये हो गया। अब मैं एक लिप के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बेनफिट का लिप एंचिक टिंट है, इससे आपको नेचुरल लुक मिलता है, और इसको भी मैं 1 हफ्ते से यूज करूँ। बाय द वे, कोई भी पेडिया स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इन सबको मैंने नायका से खुद के पैसों से मंगाया हुआ है। चलो चलते हैं किचन में, कर लेते हैं काम। अभी मैं बनाने जा रही हूँ प्रियादीप के लिए एक वीडियो। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, शायद आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट किए हुए हैं प्रोडक्ट। उनका एक इंस्टाग्राम स्टोर है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सो वीडियो प्रियादीप पे लाइव हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो बना लू तभी तो लाइव होगी ना यार। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बाद में जाएगा, वीडियो पहले जाएगा, काफी टाइम से प्रोडक्ट आके रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे बना लेना चाहिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 7, दीप लग गई है चोट, ये देखो, और ये देखो कौन आया है। हाय हाय करो भाई, मेरे भाई आए हुए हैं आज। अच्छी
थैंक यू सो मच। और मुझे दोपहर में पता चला कि भाई लोग आ रहे हैं, मैंने कोई भी काम जो भी था वो जल्दी जल्दी हमने कर लिया। ये लोग आए हुए हैं, बोल रहे हैं कल लॉकडाउन लग जाएगा, सो अभी निकल चलो रात में। तो हम लोग जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। और हाँ, मैं यहाँ से ना, मैं सच में जा रही हूँ, मेरा जितना सारा सामान है, एक्चुअली मैं तो मेरी कार से ही जा सकती थी, लेकिन हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा सारा सामान जा रहा है। इसलिए भाई भी आया हुआ है घर से, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि लखनऊ की हालत इतनी ख़राब है, मुझे डर लग रहा था कि मैं किसी की कार हायर करूँ या फिर कुछ और हायर करूँ, बाद में दिक्कत हो, तो इसलिए हमने किसी का नहीं किया। दोपहर में दीप ने बोला, दीप से और भाई से ही सारी बात हो गई। और दोपहर में मुझे पता चला, दीप बोले कि एक काम करो, पैकिंग कर लो, घर से आ रहे हैं, चलना है हमें, और तुम लोग गांव में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ की जो हालत है वो ख़राब हो रही है। कोई क्लिकबिट नहीं है गाइस, कोई भी क्लिकबिट नहीं, हम लोग सच में शिफ्ट हो रहे हैं और आज रात में ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कल लॉकडाउन लग जाएगा, सो दिक्कत हो जाएगी। और पापा का कॉल आया था घर से, दीप से, उनसे क्या कुछ बात हुई, उसके बाद ही उनका मूड चेंज हुआ है दोपहर में। इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे वर्तिका का वीडियो रिकॉर्ड करना था, मैंने वो जल्दी से रिकॉर्ड किया, और मैं कुकिंग वगैरह ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने सिंपल सा दाल चावल बना लिया तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अभी हम लोग चल रहे हैं, पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, आपको दिखाते हैं, पूरा घर हमारा खाली हो रहा है। मैं दुख भी हो रहा है कि हम जा रहे हैं इस तरीके से, बट अब क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक हो चुकी हैं। तो ये सब लहंगे हमारे पैक करने बाकी हैं, बाकी सारा सब कुछ ये देखो पैक कर करके उधर रख दिया गया है, सब रख दिया गया है, बस ये सॉफ्ट बॉक्सेस ओपन करने हैं ये सब अभी इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रात में हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये सारा पैक करते करते नहीं कुछ तो 10-10:30 तो बज ही जाएगा जो बचा हुआ है। तो आप लोगों को मिलेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर सब चाय नाश्ता कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो। और कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था ढोकला रेसिपी की, मैंने उसमें बोला हुआ था कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, और मैंने यूट्यूब पे देख के ही बनाया हुआ था। हम लोगों को मीठा ढोकला नहीं पसंद है, इसलिए हमने बाद में पानी नहीं डाला, वॉइस ओवर हम करना भूल गए, तो उस चीज़ पे कुछ लोग थोड़ा निगेटिव कमेंट दे कर रहे थे जिसको मैंने डिलीट किया, और कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट किए थे जिसको मैंने लाइक करके छोड़ा। तो फ्रेंड, एक रेसिपी की ना काफ़ी सारी, मतलब आप अगर यूट्यूब पे एक रेसिपी डाल दोगे ना, तो काफ़ी सारे लोग आपको उस रेसिपी को अलग अलग तरीके से बनाते हुए दिखाएंगे। तो हर एक रेसिपी की अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सेम रेसिपी हर कोई ट्राई करेगा। बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाकी पूरा पैक हो गया है, देखिए आप। और पैकिंग करते करते रात के देख लो 9:10 हो गया है, तो मैं भी आपको पूरा दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। ये है हमारा सारा सामान, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी रात के बज गए हैं 10:30, मतलब बजने वाले हैं, बजे नहीं है, ये देखो। और अब हम लोग यहाँ से, अभी हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, निकलेंगे। आईब्रो ये देखो क्या हाल हुए है भाई को, अब घर पे ही चल के सेट करेंगे, थकान काफी ज्यादा लग गई है यार काम करते करते, बाय गॉड क्या बोलूं मैं। तो यहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो हमने सोचा हमें लगा देना चाहिए। भाई हैं, अंदीप हैं, दोनों भाई हैं मेरे, और नेहा, सब लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं। तो नेहा किसी काम के लिए उठ आई हैं, तो हम चल रहे हैं डिनर करने, सब डिनर कर रहे हैं, हम और नेहा बाकी है डिनर देखने चल रहे हैं। भाई कह रहा है डिनर करने नहीं, डिनर देखने। अच्छा, मुझे इसका ना, इस पे मुझे दुपट्टा नहीं मिला था, तो मैंने मेरे दूसरे सूट पर दुपट्टा काम किया। ओहो, मैचिंग मैचिंग भाई, मेरे का कपड़ा मिल रहा है भाई। बॉटल भी है तुम्हारे कपड़े से मैच कर रहा है। अल्लाह के नाम पे दे दे मामा चलो ठीक है, निकलो हम लोग डिनर कर ले, इसके बाद आप तो सबने डिनर कर लिया हुआ है। आज इतना सारा मुझे बर्तन धुलना है, मैं आपको दिखाऊंगी इसको। अभी एक भाई खा रहा है, कल भी एक और है, सब पोछे धुल के डाल दिए गए हैं। माय गॉड पूरा भर गया, आप देख रहे हो, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, आज मेरी हालत खराब हो जाने वाली, मेरे सारे नेल टूट जाने वाले हैं, चप्पू चाप बिल्कुल, तो मैं आपको दिखा रही हूँ।
देखो पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे बर्तन है, ये है अभी अभी वो कढ़ाई है, सब लेके मुझे बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा बर्तन जूठा था, देख सकते हो आप। सब्जी बनी थी पनीर की और दाल चावल, सब लोग आए थे तो बनाना था, तो इतना सारा बर्तन था। मैं धुल रही हूँ, आप देख ही लीजिए कितना ज़्यादा बर्तन है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से धुल लूँ। और जो रिकॉर्डिंग है वो भाई कर रहा था, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो दो तीन चीज़ ना मैं जब बोलती हूँ तो जुबान उसी पे लड़खड़ा जाती है। छाले मेरे ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मुझसे इनकी क्या दुश्मनी है, कुछ भी कर लूँ ठीक नहीं होते। 4-6 दिन ठीक रहेंगे फिर आ जाएंगे। सोच लो मैं फटाक से बर्तन धुल लेती हूँ और इसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जो गलती करती हूँ उसको मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती, इंसान है, इंसान है तो गलती होगी, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर पहुंच के आप लोगों से बात करेंगे। हाँ तो अब हम ना रास्ते का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब आप लोग से डायरेक्ट घर पहुंच के बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये है यूपी ब्लॉगर आराध्या की कार। पता है जब पहली बार दीप आए थे जॉब के लिए तो कुछ भी नहीं, हम मतलब इस थोड़ा सा ही सामान लेके आए थे हैं। इनकी जो बाइक थी उसी पे सारा सामान सेट हो गया था। फिर हम लोग जब भिंगा से हमारा ट्रांस मतलब दीप का ट्रांसफर हुआ बलरामपुर, तो हम लोग ना एक ब्लोरो से आए थे और अच्छे से आराम से बैठ के, मतलब सामान कोई क्या, वही एक बिस्तर था, क्योंकि भिंगा वाले जो हमारे मकान मालिक थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने अपना डबल बेड, सोफा, फ्रिज, मतलब सारी चीजें उनकी खुद की थी, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ लेना नहीं पड़ा था। फिर एक ब्लॉरो में हम लोगों का सारा सामान आ गया था। और अभी ज्यादा टाइम सोचो ये बताओ, बोला तो ज्यादा टाइम इतना सारा कि मतलब एक घर से भी कार बुलानी पड़ी, और फिर भी पूरा नहीं हुआ सारा सामान, सोच लो। 1/3 जा रहा हाँ, 1/3, हाँ वैसे ही बोल रहे हो आप, 1/3 ही जा रहे हैं। ये है हमारी सोसाइटी और यहाँ पर देखो कितना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है, तो रात भी तो हो गई है। और आजकल यहाँ दिन में भी सन्नाटा ही रहता है, लोग अभी मतलब यहाँ लखनऊ की हालत ज्यादा ही खराब है, तो लोग ज्यादा निकलते नहीं है, तो इसीलिए आगे आगे भाई चल रहा है, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। और सच बताऊं आज ना मुझे, ए लो मैंने क्या बोला है, रास्ता ही चेंज कर लिए। सच बताऊं मुझे ना मेरे छोटे भाई के ऊपर प्राउड फील होता है, इतनी कम एज है उसकी और उसने सारा सब कुछ खुद का अपना सोचा जाए ना, तो अपने हिसाब से सारा सब कुछ उसने मेंटेन किया हुआ है। ना तो पापा की कमाई, ना तो दादू की कमाई, किसी की कमाई नहीं, उसने अपना खुद का एक कहानी किया कि रुतबा मेंटेन करना, मतलब अपना खुद का एक बना के रखा हुआ है। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है मेरा भाई कि पूछो मत। यूपी ब्लॉगर आराध्या, अगर आप लोग मेरे भाई के बारे में जानना चाहते हो तो यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी लाइट यहाँ पर बंद हो जा रही है, सो हम भी आप लोगों से मिलेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, बाय। हमने रास्ते का ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था, जो भी रिकॉर्ड किया था यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके लगा दिया हुआ, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा बहुत रास्ते का भी होना चाहिए ना, नहीं तो ब्लॉग मतलब लखनऊ से स्टार्ट किया डायरेक्ट घर आ गए तो कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है। सो इसलिए जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगा मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कैसा लगा ब्लॉग बताना ये भी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 2:30, जस्ट हम घर पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हम हमारे ससुराल आ गए, आप देख सकते हो, और हम चल रहे हैं चाय चाय पीने। हाँ जी, चाय पानी पीने, इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। आते टाइम हमने ड्रेस चेंज कर लिया था, तो इस ड्रेस को पहन के मैं सिर्फ कार में बैठी हूँ और आके घर पे उतर रही हूँ, तो इस ड्रेस को चेंज करने की मुझे नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बीच में कहीं नहीं रुके हैं, और कार में सिर्फ हम, बाबू, दीप और नेहा ही थे। सो वीडियो लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। बाबू सो रहा है और पापा जग रहे हैं, भाभी जग रही हैं, तो इस वीडियो का करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे सुबह नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।